सो हे गाइस, व्हाट्स अप, की हाल चाल है? सब सर रफ्तार और एमी में काले तो कुए हसल फॉर हनी सिंह से बादशाह है। बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले बात करें हनी पाजी की, तो उनकी ग्लोरी एल्बम ने 100 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर ली है। अगर आप हनी पाजी और इशो बॉय बॉट शाह के मंथली लिसनर्स देखोगे तो दोनों के एकदम सेम हो चुके हैं, 20.6 मिलियन। डिफरेंस बस इतना है कि एक बंदा स्पॉटिफाई पे कोई एड्स नहीं लगाता, वही दूसरा बंदा हर सॉन्ग के एड्स लगाता है। बाकी अभी देखना ये है कि कौन इधर से नंबर वन बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो इक्का और रफ्तार का फिर से एक इंटरव्यू आ चुका है, जिसमें रफ्तार ने हनी सिंह और बॉट शाह की फाइट एंड फ्री पब्लिसिटी पर रिएक्ट करा है। आप लोग सुन लो। मैंने भी माफिया मुंडीर वाला गैंग से ही गाने सुनना शुरू करे थे। डिसएग्रीमेंट्स हर ग्रुप में रहती है, तो चाहे वो हनी सिंह भाई क्या, बादशाह भाई क्या, किसी की भी रही हो, लेकिन जब वो पब्लिक फोरम की डिस्कशन बनती है, क्या वो आपके काम पे इंपैक्ट करती है? देखो, कुछ चीजें जो होती है ना, सही के लिए होती है। वो झटका ना होता तो आज हमारे इंडिविजुअल बंदे ना होते हैं। डिसएग्रीमेंट बिल्कुल हो सकती है, तब हम बहुत यंग थे। अब इस उम्र में आके ये रियलाइज होता है कि ये बहुत छोटी बात है, पर एक और चीज समझ आती है। जब तक हमारा गूगल पे एडवर्ड पे नाम चलता रहेगा, तब तक हम हमें याद करते रहोगे, चाहे किसी भी तरीके से करो। और जब तक आपकी जुबान पे हमारा नाम है, तब तक हमारा काम नहीं रुक सकता। तीन नेम ड्रॉप करता हूं, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार। ये हो गया इस वीडियो का एडवर्ड। खैर, अभी हम लोग बात करें एमी वे बंटाई। तो क्या एमी वे एक और न्यू सॉन्ग शूट करने जा रहे हैं? वेल, एमी वे के फैन पेज ने कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करी है, जिसमें लिखा है कि नेक्स्ट वीक एमी वे यूरोप जाएंगे एक बहुत ही बड़े शूट के लिए। लेट्स सी ये सॉन्ग कौन सा होता है। साथ में हसल फोर से अभी अभी एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एमी वे के डिस ट्रैक काले तो कौवे की मिमिक्री करी जा रही है। वैसे बात इधर एमी वे की हो ही रही है, तो इक्का ने जो कुछ पोक तो करते रहते ना, कितना कितने बैठे हुए, बस किसी ना किसी ने चक्की चलो ने जाए जी, बस के हाँ हाइप बिल्ड करके रखनी है। दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे एमी वे से सिर्फ मचाएंगे फोर याद आता है। सो इसी को लेके एमी वे के फैन ने इक्का की एक वीडियो शेयर करी है, जिसमें वो एमी वे की बात कर रहे हैं, वो भी 4-5 साल पहले। ब्रो, कुछ नहीं करने का भाई, आजकल लोग फोन से वीडियो बना के डाल रहे हैं। वो बड़े वीडियो वाला चलन कि भाई आपको बड़ी गाड़ियां दिखानी है, सुपर हॉट मॉडल दिखानी है, वो टाइम नहीं है ब्रो। आप चाहे यूएस में देख लो, जो छोटे वीडियो कर रहे हैं लोग, एमी वे यार वो कितने बड़े वीडियो करता है, मतलब पीटी पे शूट कर देता है और यूट्यूब पे करता है वो। मैं कोई कंपनी के पास नहीं जाता, अगर आपके कंटेंट में जान है तो वो अपने आप ट्रैवल करेगा। अपनी बोलियों की गल्ला तो इधर उधर हो रहे हैं आजकल भाई लोग। बात करें कृष्णा की, तो उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे रील शेयर करी है, जिसपे एक कमेंट कुछ ऐसा था, कृष्णा एक्स करण औजला वैन। सो आप लोग देख सकते हो ये यार एक लौता कमेंट है जो कृष्णा ने लाइक करा है। चाहिए है, हुन चाहिए है, पता की चक्कर है, क्योंकि जरा यू नो व्हाट आई मीन गाना सीगा, इट वाज एक्चुअली सो गुड कि इन दोनों दी वोकल दा बैलेंस ही बहुत प्यारा लगा लोगों को। सो और DHH ते पंजाबी इंडस्ट्री दा एक बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन सीगा। सो लेट्स सी हुन अगे किवें आंदा है। आज भी एक अद्धा गाना बनदा भाई, होर एक कैंट जा डिफरेंट जा वर्ड प्ले वाला आशिका।